हेलो फ्रेंड्स, रीड एंड ईट चैनल में मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी करेला। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हमने लिए हैं 2 सफेद करेले जो कम कड़वे होते हैं, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून, 1 नींबू का रस और नमक स्वाद अनुसार। करेले के हमने स्लाइस कर लिए हैं। अगर करेले के सीड्स सॉफ्ट हो तो आप उसे ऐसे ही रहने दें, लेकिन अगर सीड्स हार्ड या पक गए हो तो उन्हें निकाल लें। क्रिस्पी करेले ये बहुत अच्छी साइड डिश बनती है। बहुत सारे करेले को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब शौक से खाएंगे। करेले में हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक और नींबू का रस मिला के उसे अच्छे से मिलाएं। इसे आधे घंटे के लिए हम अलग से रख देंगे। रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपी है। कढ़ाई में तेल गरम करके इन करेले के स्लाइस को फ्राई करना है। फ्लेम आप यहाँ लो रखेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। कढ़ाई में ऑयल आप कम यूज़ करें, क्योंकि फ्राई करने के बाद ये ऑयल बहुत कड़वा हो जाता है। करेले यहाँ फ्राई होके तैयार हो गए हैं। सर्व करते वक्त आपको अगर पसंद हो तो आप इस पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो हो गए हमारे मजेदार चटपटे क्रिस्पी करेले तैयार। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।